नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड टीवी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के विजिट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुतुब मीनार की विजिट के लिए आपको सबसे पहले टिकट लेने की ज़रूरत होती है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे ही हमने टिकट लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये बड़ा सा गेट आता है जिससे हम कुतुब मीनार के लिए प्रवेश करते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, मैंने काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखी है। कुतुब मीनार से जैसे ही हम कुतुब मीनार के लिए बढ़ते हैं तो बीच में ये मोन्यूमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुतुब मीनार हमारे ठीक सामने होता है। हम आराम से कुतुब मीनार को देख सकते हैं। कुतुब मीनार अपने आप में अद्भुत और मार्वलस एक मीनार है। इसको देख कर के निश्चित ही आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि आखिर इतने सालों पहले लोगों ने कैसे इतने बड़े मीनार का निर्माण कर दिया होगा। कुतुब मीनार के ठीक पास ही एक ये बड़ा सारा गेट है, काफ़ी बड़ा गेट है, जो हमें कुतुब मीनार से दाईं तरफ एक गलियारे में ले जाता है जहाँ इमाम जामीन का एक मकबरा बना हुआ है। उस टाइम का जो इमाम था उसका मकबरा इधर बना हुआ है, जो कि आपके कुतुब मीनार के दूसरी तरफ में दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे हमें समझ में आने लगा कि कुतुब मीनार के अलावा यहाँ पर कुछ और है, तो वो सब कब्रें हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी कब्रें देखने को मिल जाएगी। अभी जो कब्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कब्र कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र है। ये थोड़ी ही आगे आपको दिखाई देती है। उस गलियारे से पार करते हुए थोड़ा ही आगे अगर आप जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र आपको दिखाई देती है। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये उसकी ही कब्र है जो आज भी बिल्कुल सुरक्षित है, इतने सालों के बाद भी। ये हमारे देश का सेकुलरिज्म ही है, ये हमारे देश की ब्यूटी भी है कि इस देश में जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश की जनता पर बहुत बेरहम तरीके से अत्याचार किया, उनकी भी कब्रें आज हमारे देश में सुरक्षित हैं, जो आज भी लोग देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उसकी ही कब्र बताई जाती है। जब हम इससे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि प्राचीन समय में ये कोई जो है मदरसा हुआ करता था, जो अभी मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय के जो शासक थे, उस समय के जो मुगल थे या आक्रमणकारी थे, उन सब की कब्रें इधर बनाई हुई है। इतिहास में एक आक्रमणकारी हुआ था जिसका नाम था इल्तुमिस। इल्तुमिस की भी कब्र इधर आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी भव्य कब्र बनाई हुई है। कहा जाता है कि ये 1235 के आसपास यहाँ पर मरा था, तो इसकी भी कब्र यहाँ पर बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। उस आक्रमणकारी की इतनी विशाल और भव्य कब्र आप देख सकते हैं। ये हमारे देश में ही पॉसिबल है कि ऐसे लोगों को भी कब्रें आज हमारे देश में सुरक्षित हैं। खैर, होनी भी चाहिए ताकि हमारे देश के लोग ये जान सके कि हमारा देश सबको सम्मान और इज्जत देता है, भले ही वो यहाँ पर आक्रमणकारी भी क्यों ना हो। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक भव्य और विशाल मंदिर आपको दिखाई देता है। ये मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था, जो इन आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। आज भी इसके भग्नावशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुतुब मीनार विष्णु मंदिर के प्रांगण में ही स्थित थी। मुगल आक्रमणकारियों ने इस मीनार पर अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन किए, बल्कि इस मीनार का निर्माण उन्होंने नहीं करा है, जो कि देखने पर आपको आसानी से दिख भी जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इस पर मॉडिफिकेशन करके कुछ उर्दू की आयतें वगैरह लिखी हैं। इसी मंदिर प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ भी स्थापित है, जिसे आप देख सकते हैं। इस आयरन पिलर को कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। हमने भी इस बात को नोटिस किया है कि ये लौह स्तंभ बिल्कुल साफ और सुरक्षित है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं दिखाई देता है।
ये स्तंभ अपने आप में गौरवशाली भारत के गौरवशाली इतिहासकारों की याद दिलाता है। इससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो अलाई मीनार करके एक ढांचा हमें दिखाई देता है। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया है। इसे देख करके एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कुतुब मीनार जैसी दूसरी मीनार खड़ी करने का एक प्रयास था, लेकिन मुगलों का ये प्रयास सफल नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।